हाउ आर यू पीपल, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड। एंड आज की ट्रिप जो है वो है रोड ट्रिप। जा रही हूँ मैं अमृतसर से हिमाचल। फाइनली आज मुझे अपना ई पास एंड कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मिल चुका है। स्टिल आई एम हैविंग दिस हल्दी का पानी और मैं जा रही हूँ ओवो कैब्स के साथ। मींस ओवो कैब्स जो है वो सेल्फ ड्राइव कार प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दी है जो मैं सेल्फ ड्राइव करके यहाँ से जा रही हूँ हिमाचल। So here is my car from Ovo Cabs और ये गाड़ी लेके मैं निकल रही हूँ हिमाचल next 6 days के लिए। और सारी धमाल मस्ती आज के एपिसोड में होने वाली है। Stay tuned, देखते रहना, कहीं जाना मत। आप जब कार लेते हो तो छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपको कुछ फॉर्म साइन करने हैं, अपने जो भी आपके आईडी प्रूफ है वो देने हैं, कुछ डिपॉजिट होती है, दैट्स इट। फिर गाड़ी आपकी और आप जा सकते हो कहीं भी। रास्ते तो बहुत ज्यादा क्लियर है, हाईवे है, टोलना का क्रॉस किया है फर्स्ट वाला मैंने और मैं जा रही हूँ आगे। मेरा फर्स्ट ड्राइव है ये इन इंडिया। बेसिकली मैं आउट ऑफ इंडिया काफी ट्रैवल करती हूँ, सोलो ट्रिप एंड सेल्फ ड्राइव, बट पहली बार मैं इंडिया में कर रही हूँ और वो भी सेल्फ ड्राइव। और बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइक अलग एक्सपीरियंस है। बट रोड्स आर रियली ब्यूटीफुल, वेरी स्मूथ एंड हाईवे है और साथ में वो कैब्स की कार है, सो टेंशन ही नहीं है। आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय ड्राइव। मुझे लगी है भूख, एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था बस, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। तो मेरे पास है ना प्रोटीन बार है, मैं पैक से निकाल दूँ। ये कौन सा टोल नाका है? ये पठानकोट में पड़ता है। और यहाँ से पठानकोट कितना दूर है? 15 किलोमीटर। कितना देना है? 110। मैं तो हर जगह सैनिटाइज करती रहती हूँ और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, सो लेट्स मूव अगेन। अब यहाँ से 7 किलोमीटर पे है पठानकोट। थोड़ा सा ना मुझे डर लग रहा है क्योंकि पठानकोट पे कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना है और ई पास भी दिखाना है। आई होप ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें ये लोग। सो आई एम रीचिंग। एक्चुअली पठानकोट बॉर्डर जो है वो तो ऊपर रह गई, बट यहाँ मुझे जहाँ नीचे से जाना था वहाँ पर पुलिस खड़ी है और अभी मुझे बाहर बुला रही है टू चेक माई कोविड सर्टिफिकेट एंड पास। सो मैं बाहर जा रही हूँ। सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो चुकी हैं, थैंक गॉड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें मैंने जितने भी प्रूफ दिखाने थे सारे मैंने दिखा भी दिए उनको और आई एम डन। ये है बॉर्डर और यहाँ से आगे मुझे कोई टेंशन नहीं है। और या एक्चुअली मुझसे बहुत अच्छे से प्यार से बात की उन्होंने। अकेले हो, अकेले जा रहे हो, ये एक फ़ायदा होता है जब लड़की कहीं अकेले ट्रैवल करती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे पास मेरा चार्जिंग केबल नहीं है, फर्स्ट टाइम। और अभी क्या है ना, छोटे छोटे विलेज बीच में कहीं पे दुकान भी नहीं है जहाँ पर शॉप मिल रही है, उनके पास चार्जर का केबल नहीं है। और ये है जसूर, एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पर बोल रहे हैं कि मोबाइल एक्सेसरी का शॉप है जहाँ से मुझे केबल मिलेगी। सो लेट मी फाइंड आउट। तो एक छोटी सी दुकान है यहाँ पर, एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर मैं मोबाइल के केबल के लिए आई हूँ एंड आई होप काम कर जाए। वैसे ओरिजिनल तो यहाँ मिलते नहीं है, शोरूम में मिलते हैं, बट अभी जो भी मिले उससे काम चलाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो मेरा काम हो गया। जसूर जहाँ से मैंने केबल लिया अपना फ़ोन का, उसके बाद एक्चुअल चढ़ाई शुरू होती है। सो अब आपको पहाड़ों के बीच में से गोल 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 घूम के जाना है और यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर्स, बीच में काफ़ी छोटे छोटे टाउन भी आएंगे, बट ब्यूटीफुल रोड्स, लेट मी शो यू। लोकेशन की जहाँ पर मैं सनसेट, क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि कहीं पे ऐसा खुला मुझे प्लेस मिले जहाँ पर मैं कार खड़ी करके फोटोग्राफी करूँ।
बट अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ जंगल है, बीच में से रास्ते जा रहे हैं गोल 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 गोल, सो आई एम जस्ट ड्राइविंग। फिलहाल मुझे रास्ते में एक जगह दिखी है जहां से पूरी पहाड़ी और वहां से ऑरेंज स्काई दिख रहा है, सो लेट्स गो आउट एंड क्लिक फ्यू पिक्चर्स। देखो क्या होता है ना कि जब आप रोड ट्रिप करते हो तो रास्ते में जो भी सुंदर सी जगहें आती है वहाँ पर स्टॉप करके थोड़ा सा तो एक्सप्लोर करना बनता है। और अभी थोड़ा लाइट है, अंधेरे होने से पहले मैंने सोचा बाहर निकल लेती हूँ, फिर तो आगे मैं स्टॉप नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत जल्दी विद इन 45 मिनट्स अंधेरा होने वाला है। उसके पहले मैं अपना ट्राइपॉड सेट कर रही हूँ और कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ। बस तो अंधेरा हो उसके पहले आई थिंक आई शुड लीव। ये पहाड़, ये हवा और ये ऑरेंज स्काई, ब्यूटीफुल। धर्मशाला पहुंचने में आई थिंक मुझे और एक घंटा लग जाएगा, मैं रास्ते में दो तीन जगह पर खड़ी हुई थी, बट दैट्स फाइन। जब आप बाई रोड जाते हो तो बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे प्लेसेस आते हैं जहाँ पर आप रुकते हो। अब जाके ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पहाड़ों में और कोई ऐसे डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ से बहुत ही अच्छे रास्ते हैं बट ऑलमोस्ट काफी अंधेरा हो चुका है। कब से मैं सोच रही थी कि इतना बढ़िया सा हिल स्टेशन है तो रास्ते में जाते समय कोई खाने पीने की जगह क्यों नहीं आ रही है, छोटे मोटे ढाबे टाइप। तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉप मुझे दिख रहा है एंड आई एम लिटिल हंग्री, सो आई थॉट लेट मी बाय सम चिप्स, लेट्स गो। ये बोल रहा है कि ये जो तालुका है स्पेशली यहाँ पर ना कोविड के कोई भी केसेस नहीं है। वापस यहाँ पर रात हो गई और मैं कितना भी प्री प्लान करके निकलूँ बट मुझे ना पहुँचते कहीं पे भी रात हो जाती है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड क्यों ऐसा होता है। मैं प्लान करके निकली थी कि मैं 7 o'clock तक पहुँच जाऊँगी बट रात के 8 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो गया है। बट ठीक है, वैसे रास्ते काफ़ी सेफ है, हर जगह लाइट्स भी हैं और रास्ते में छोटे मोटे विलेज भी हैं, सो आई रीच वेरी सून। मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, रात को बहुत अंधेरा हो चुका है और मैं पहुँच चुकी हूँ ऑलरेडी, बट थोड़ा सा रात को जगह कोई भी जगह डराना लगता है। तो अभी ये सारी चीज़ें आपको सुबह में ही देखने को मिलेगी, फिलहाल तो जैसे तैसे मैं पहुँच गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाले रास्ते थे यहाँ पर। फिलहाल मैं पहुँच गई हूँ धर्मशाला से आगे मैक्लोडगंज, पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया और यहाँ पे कुछ कॉटेजेस हैं जो मैंने बुक किया था सम जस्ट। एक्चुअली बाहर जंगल है और यहाँ पर टेंट है तो मैंने कुछ एडवेंचर के लिए ऐसे टेंट बुक अच्छा। किया था। तो अभी यहाँ पर टेंट में हूँ मैं और प्लान कर रही हूँ कि यहीं पे आई जस्ट आई वाज चेकिंग कि पता नहीं इट्स लाइक दिस नॉर्मल बेड एंड टेंट है बाहर, बट मॉर्निंग में एक्चुअल आपको ये पूरा व्यू देखने को मिलेगा कि कैसा है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं शाम को पहुँच जाऊँ और प्रॉपर उसका व्यू हमें देखने को मिले, बट मैं शाम को पहुँच नहीं पाई एज यूजल। सो दिस इज माई होम। ऐसे कभी ना मैं टेंट में रुकी नहीं हूँ तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है, बढ़िया आई एम एक्साइटेड ऑल्सो क्योंकि मुझे कल मॉर्निंग यहाँ से व्यू देखना है। एंड स्पेशली नॉर्मली हमेशा हम लोग होटल में रुकते हैं तो मैंने सोचा इस बार कुछ एडवेंचर किया जाए, ऐसे टेंट में कुछ होता नहीं है, नॉर्मल एक कपड़े का टेंट बना है, बेड एंड दैट्स इट। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना क्योंकि उसमें सुंदर सा नज़ारा दिखने वाला है। एंड या आई होप इन्जॉय किया होगा आज का व्लॉग स्पेशली विद ओवो कैब्स। तो आपको कभी भी अमृतसर से अगर धर्मशाला आना है तो आप ओवो कैब को कांटेक्ट करके सेल्फ ड्राइव करके आ सकते हो। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप डायरेक्टली ओवो कैब्स का कांटेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारे एडवेंचर देखने के लिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सी यू सून, बाय बाय।